सिक्किम के नाकुला बॉर्डर पर भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प से नाराज वाराणसी के अधिवक्ताओं ने रोष प्रकट किया है। अधिवक्ताओं ने चीन के राष्ट्रीय ध्वज और शी जिनपिंग के पोस्टर जलाए और अजले पोस्टर को नाले में प्रवाहित किया। इस संबंध में अधिवक्ता नित्यानंद राय ने कहा कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्किम के नाकुला बॉर्डर पर झड़प की खबरें आ रही हैं और सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया है। चीन से 17 राउंड की वार्ता के बाद भी चीन बाज नहीं आ रहा है और अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो वाराणसी के अधिवक्ता भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं नित्यानंद राय एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी बनारस बार एसोसिएशन। नित्यानंद जी, आज किस तरह का विरोध? देखिए, जब आज सुबह हमने टीवी अभी मोबाइल में ऑन किया तो हमने अभी तमाम चैनलों पे यह समाचार देखा कि रक्षा सूत्रों से सीमा बॉर्डर पे, सिक्किम बॉर्डर पे चाइना के सैनिकों से हमारे जाबाज सैनिकों का जो है भिड़ंत की खबरें आ रही हैं और उसमें 15 से 20 चाइनीज सैनिक घायल हुए हैं। हम लोग की कितनी क्या स्थिति है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसी सूचना मिल रही है कि सीमा पे तनाव इस वक्त चरम पे पुनः बढ़ गया है। अभी कल ही जो है चाइना के उच्च कमांडरों से, भारत के सैनिकों का उच्च कमांडरों से एक वार्ता हुई है। 17 राउंड वार्ता हो चुकी है, लेकिन चाइना पिछले साल से ही अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो उसको यह मैसेज देना है काशी की धरती से, बनारस से, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से कि चाइना तुम होश में आ जाओ और अपने इन हरकतों से बाज आ जाओ। भारतीय पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।